प्यारे बच्चों, असी इस वीडियो राही क्लास छेवीं डेली डोज 28/6/2020 दे क्वेश्चन आंसर करांगे। पहला असी पढ़ते हाँ पाठ, पृथ्वी परिक्रमा करती जदों किसी खिलरे हुए पदार्थ के नेड़े आ जाती है तां वह पदार्थ तीव्र गति नाल धरती दे वायुमंडल विच दाखिल हो जाता है ते वायुमंडल हवा नाल रगड़न करके वह पदार्थ नूं अग लग जाती है, जिस करके उस दे पिछे रोशनी की लकीर जही बन जाती है जिसनों उल्का आखते हैं। इतों दो तीन गल्लां निकल के आउंदियां ने। पहली गल तां धरती परिक्रमा करती है, धरती परिक्रमा आपदे धुरे दे दुआले भी करती है अते सूरज दे दुआले भी करती है। धरती अपने धुरे दे दुआले परिक्रमा 24 घंटियां विच पूरी करती है ते सूरज दे दुआले परिक्रमा धरती 365 दिन 6 घंटियां विच पूरा करती है। पहली गल। दूजी गल, साढ़े वायुमंडल दे विच बहुत ज़्यादा खिलरे हुए पदार्थ पए ने जिहड़े सूरज दे दुआले गति कर रहे हैं, सूरज दे दुआले गति कर रहे हैं। जदों ये खिलरे उधरों धरती गति कर रही है, उधरों वह खिलरे हुए पदार्थ गति कर रहे हैं। जदों कई बारी धरती उन्हां खिलरे हुए पदार्थों के कोल जाती है जां वह पदार्थ धरती के कोल आ जाते हैं तो धरती की गुरुत्वाकर्षण करके ड्यू टू ग्रैविटी वह पदार्थ धरती के वायुमंडल में दाखिल हो जाते हैं। आम तौर पर तो वह पदार्थ धरती के वायुमंडल के नाल जो धरती के वायुमंडली हवा में रगड़ खाते हैं तो उन्होंने अग लग जाती है, जिसनों असं कई बार कहते हैं टुटता हुआ तारा, कहते हैं टुटता हुआ तारा भी कहा जाता है, पर आम तौर पर उसनों विज्ञानिक भाषा में उल्का कहा जाता है। वह उल्का जिहड़े पूरे सड़ते नहीं अते धरती के ठोस हालत में गर्म गोले के रूप में डिग पैंदे हन उसनों उल्का पिंड। कई बार की होंदा गा वह इन्ने ज़्यादा बड़े होंदे ने कि धरती की हवा ना रगड़ खा के भी वह चंगी तरह उन्होंने अग नहीं लगती तो बच जाते हैं तो वह फिर धरती से आ डिगदे हन। जिमें कि एरीजोना का मोगा होया सी, वह भी एक उल्का पिंड करके होया सी। जिहड़े उल्का चंगी तरह सड़ते नहीं तो धरती सतह पर आ जाते हैं उसनों उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड करके धरती ते बहुत बड़े टोए बन जाते हैं, जिमें अमेरिका के मारूथल इलाके एरीजोना का मोगा किसी उल्का पिंड के डिगण करके बनिया जाता है। धरती जिस उपर असी रह रहे हाँ बहुत बड़ी है, असल में असी धरती का कुछ कु हिस्सा ही वेख सकते हाँ क्योंकि धरती गोल है। जो अस उपरों देखते हाँ धरती आसमान तो चपटी नहीं गोल दिखाई देती है, आम तौर पर धरती साड़ी चपटी है पर धरती जो उपरों देखते हैं गे विज्ञानी तो धरती गोल दिखाई देती है। धरती सूरज दुआले घूमती है तो चन्न धरती के दुआले, जिस तरह धरती सूरज के दुआले घूमती है उस तरह चन्न धरती के दुआले घूमता है, चन्न धरती का उपग्रह भी है। क्वेश्चन आ गए, धरती जो किसी खिलरे पदार्थ नाल टकराती है तो की होता है, जो धरती किसी खिलरे पदार्थ नाल टकराती है तो की होता है, उस पदार्थ नूं अग लग जाती है धरती उपर बड़े टोए किस प्रकार बनते हैं, जिहड़े उल्का पूरे सड़ते नहीं धरती ते ठोस गोले दे रूप में डिग पैंदे हैं जिस नाल धरती उत्ते बड़े टोए बन जाते हैं। धरती बारे तुसी की जानते हो? नंबर एक, धरती आसमान तो गोल दिखाई देती है। नंबर दो, धरती सूरज दुआले घूमती है। असी ये भी कह सकते धरती बहुत बड़ी है, धरती बहुत बड़ी है। अगे अगे खाली थावां, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, धरती सूरज दुआले घूमती है। द अर्थ इज़ वेरी लार्ज इन साइज, धरती बहुत बड़ी है, धरती आकार दे विच बहुत बड़ी है। यू सी डैट द अर्थ इज़ स्फीयर, धरती आसमान गोल नज़र आउंदी है, धरती आसमान विचों गोल नज़र आउंदी है। ट्रू फॉल्स आ गए, एरीजोना का मोगा उल्का पिंड के डिगण करके बनया है, बिल्कुल सही है, ट्रू है। जो धरती किसी खिलरे पदार्थ नाल टकराती है तो वह पदार्थ तीव्र गति नाल धरती के वायुमंडल में दाखिल होता है, ये भी बिल्कुल सही है। जिहड़े उल्का पूरी तरह नहीं सड़ते तो ठोस रूप में धरती से डिग पैंदे हैं उन्होंने उल्का पिंड आखते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। असी अज की इस वीडियो राही 28/6/2020
ਭਾਵ 28 June 2020 ਜੋ ਡੇਲੀ ਡੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਆਇਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 6ਵੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੋ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।